हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बाबरचीज। बारिश का मौसम हो और खस्ता कचौड़ियाँ खाने के लिए मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मटर की कचौड़ियाँ बनाई हैं, कितनी खस्ता और फूली फूली हैं। इस तरह से खस्ता और क्रिस्पी कचौड़ी बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, वरना तो कचौड़ियाँ इस तरीके की क्यों हो जाती हैं, अंदर से नहीं सिकती हैं, बाहर की लेयर जल जाती है और खूब सारे बबल्स आ जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कि कैसे बनाया जाता है। एक कप गेहूं का आटा लिया है, इसको हमें छान लेना है। इसी के बाद एक कप मैदा लिया है और इसको भी हम छान लेंगे और आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधी चम्मच अजवाइन ली है और स्वाद अनुसार नमक ऐड करके इसको हमें अच्छे से मिला लेना है। बड़ा चम्मच से एक चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहे तो यहाँ पर घी का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छे से हमें इसको मिला लेना है। आटा इस तरीके से चिपकना चाहिए। तो ये देखिए, आटा हमारा रेडी है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसको गूँथ लेंगे। जैसा हम पूड़ी का आटा लगाते हैं वैसा ही हमें इसको लगाना है। आटा लग करके रेडी हो चुका है, इसको हम ढक करके साइड में रख देंगे। तब तक मटर की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसी कप से 2 कप मैंने फ्रोजन मटर ली है, इसको हमें अच्छे से धुल लेना है और थोड़ी देर पानी में डाल करके रख देंगे। रिफाइंड ऑयल डाला है 1 बड़ा चम्मच, आधा चम्मच जीरा और 4 से 5 हरी मिर्च डाली हैं। सारी मटर को यहाँ पर ऐड कर देंगे और इनको हमें अच्छे से भून लेना है। थोड़ा सा हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। मटर अच्छे से भून चुकी है, मसाले हम इसमें ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है, आधी चम्मच लाल मिर्च ऐड की है, थोड़ा सा हींग और आधा चम्मच गरम मसाला। अच्छे से मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मसालों को पका लेंगे। तो ये देखें, मटर और मसाले हमारे पक चुके हैं। हम इसको गैस से उतार लेंगे और थोड़ा ठंडा कर लेंगे। इसके बाद ग्राइंडर में डाल करके इसको हमें दरदरा पीस लेना है। तो ये देखिए, मटर का मसाला दरदरा पीस चुका है। आपको भी इसी तरीके से इसको दरदरा पीस लेना है। 1 प्लेट में सारे मसाले को ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये कचौड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 मीडियम साइज़ का प्याज मैंने बारीक काट लिया है और इसको मैंने कच्चा ही ऐड किया है। अब यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि वहाँ हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया था, और आधा चम्मच चाट मसाला ऐड कर देंगे। आप चाहे तो प्याज को तेल में भूनकर भी डाल सकते हैं, जब हमने मटर भूनी थी। मैंने यहाँ पर प्याज को कच्चा ही ऐड किया है। अच्छे से सारे स्टफिंग को मिला लेंगे। आटे को एक बार फिर से इसको अच्छे से हम गूँथ लेंगे। डो हमारा एकदम रेडी है। लोइयां काट लेते हैं। तो हमें छोटी छोटी लोइयां बना लेनी है, ना ही ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। सारी लोइयों को हमें काट करके तैयार कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर सारी लोइयां बन के तैयार हैं। अंगूठे से इस तरीके से इसमें गड्ढा बना लेंगे
और इसमें हमें स्टफिंग को फिल करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने स्टफिंग को फिल कर दिया है और चारों तरफ से अंगूठे से दबाते हुए इसको हम बंद कर देंगे और इसके बाद हमें हल्का सा प्रेस करना है इसको। ये देखिए कचौड़ी हमारी बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम सारी कचौड़ियों को रेडी कर लेंगे। और तेल को हमें मीडियम फ्लेम पर नॉर्मल गरम करना है। तेल को अगर आप ज़्यादा गरम कर लेंगे तो कचौड़ियाँ डालते ही बबल्स आ जाएंगे और ऊपर की लेयर पूरी जल जाएगी। तो हमें मीडियम आंच पर तेल गरम करने के बाद फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर ही हम कचौड़ियाँ डालकर इसमें तलेंगे। अलट पलट के इनको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक बढ़िया से तल लेना है। यहाँ कचौड़ियों पर हल्का हल्का कलर आने लगा है और ये एकदम फूल चुकी हैं। कचौड़ियों में यहाँ पर क्रैक्स आने लगे हैं, कचौड़ियाँ सिकना शुरू हो गई हैं। इसके बाद हमें इनको 2 से 3 मिनट के लिए और अच्छे से सेक लेना है। फ्लेम मैंने लो ही रखी है क्योंकि अगर हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे तो अंदर से पूरे तरीके से नहीं सिक पाएंगी। तो ये देखिए कितने बढ़िया से सिक कर तैयार है एकदम क्रिस्पी खस्ता मटर की कचौड़ी। एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे फिर से। इसी तरीके से हम सारी कचौड़ियों को बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को लो ही रखें। आप इन कचौड़ियों को चटनी, छोले या फिर आलू की सब्जी के साथ नाश्ते में खा सकते हैं। दूसरी बार की कचौड़ियाँ भी सिककर तैयार है। इनको भी हमें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। तो है ना कितनी मज़ेदार रेसिपी। देखिए कचौड़ी के अंदर स्टफिंग भी अच्छे से हुई है और चारों तरफ फैली है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।